do the. Doing good. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन मसाला चिकन की रेसिपी. आज आपको ये चैनल में कुछ कुकिंग शुकिंग दिखेगा. ये रेसिपी जो है ये मेरी मॉम इस तरीके से चिकन बनाती है और मुझे बहुत पसंद है. और ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल चिकन होगा और ये बनाने में बहुत ईजी है और बहुत टेस्टी लगता है. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि ये चिकन बनता कैसे. तो गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड है देखने में ये मसाला चिकन रेसिपी, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. सबसे पहले हम चिकन को बॉईल करेंगे. उसके लिए आपको एक बड़ा सा कुकर या फिर कोई बड़ा सा पतीला या बाउल टाइप आपको लेना पड़ेगा. आप उसको अच्छे से गरम कर लीजिए. उसमें आप अपना चिकन डालिए. चिकन को अच्छे से वॉश कर लीजिए. वॉश करने के बाद उसमें आप ट्रांसफ़र कर दीजिए. आपको कोई ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें. बस चिकन आप ट्रांसफ़र करने के बाद इसमें आप डालेंगे कटा हुआ प्याज. प्याज को थोड़ा सा आप हाथ से थोड़ा सा सेपरेट कर लीजिए. प्याज डालने के बाद इसमें हम डालेंगे जिंजर एंड गार्लिक और उसके बाद हम इसमें डालेंगे सॉल्ट एंड हल्दी. टर्मरिक आपको डालना है, आप थोड़ा ज़्यादा टर्मरिक डाल सकते हैं इसमें. तो मैं इसमें एक टेबलस्पून टर्मरिक डाल रही हूँ, छोटा टेबलस्पून टर्मरिक और सॉल्ट टू टेस्ट. बस इसको आप अच्छे से चला के अच्छे से इसको मिक्स करके आप कुकर को बंद कर दीजिए. सो दैट जो आपका चिकन है वो अच्छे से कुक हो जाएगा स्टीम से. आपको इसमें कोई पानी एक्सेस डालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई ऑयल डालने की ज़रूरत है. बस ये ऐसे ही अच्छे से कुक हो जाएगा. देन हम तैयारी करते हैं मसाले की. एक अच्छी सी बड़ी सी कढ़ाई ले लीजिए. उसमें एक टेबल स्पून छोटा सा ऑयल डालिए. थोड़ा सा ऑयल डालना है क्योंकि हम इसमें प्याज और ये सब अच्छे से फ्राई करेंगे. उसमें आप एक टेबल स्पून मतलब एक थोड़ा बड़ा स्पून खसखस डालिए. खसखस को अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट खसखस डालिए. उसके बाद उसमें ऑनियन डालिए. ऑनियन को भी आप अच्छे से क्रश कर लीजिए हाथों से और फिर उसके बाद उसमें डालिए. और उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा कोकोनट डालिए, 2 से 3 स्ट्रिंग्स ऑफ कोकोनट. और बस उसे अच्छे से चला लीजिए. आपको इसे भूनना है जब तक कि अच्छा सा रेड ब्राउन कलर का ना हो जाए. अच्छा सा गोल्डनिश रेड इसका कलर आना चाहिए. ब्राउन, गोल्डन, रेड जो भी कलर हो अच्छे से कलर आना चाहिए. तो तब तक आप इसको अच्छे से चलाते रहिए. जितना आप इसको भूनोगे उतना बढ़िया टेस्ट आएगा. तो देखिए इस तरीके से कुछ कलर आना चाहिए. और अब हम इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे. तो मैं इसे पूरा ट्रांसफ़र कर रही हूँ मिक्सर में. इसका जो हम जब भूनते हैं ना तो पेस्ट अच्छा थिक और टेस्टी बनता है, तो इसलिए भूनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके बाद उसमें मैं डालूँगी टोमेटो. आप इसमें एक कंप्लीट टोमेटो डाल सकते हैं. बस इसमें टोमेटो डालने के बाद आप इसका पेस्ट जो है अच्छे से बना लीजिए. तो आपको एक थिक अच्छा कंसिस्टेंसी वाला पेस्ट मिलेगा. इसमें आप थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक के क्लोव्स भी ऐड करिए. और बस मसाला आप अपने मिक्सर में पीस के इसको रेडी कर लीजिए. अब आप अगेन एक कुकर लीजिए. अब हम प्रॉपर चिकन हमारा कुक करेंगे. उसमें ऑयल डालिए. ऑयल में डालने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा क्योंकि जितना ज़्यादा आप ऑयल डालोगे उतना टेस्टी बनेगा. ये तो है, अगर आप ऑयल अच्छा डालोगे तो आपका मसाला अच्छा भुनेगा और ये उतना ही टेस्टी बनेगा क्योंकि हम थोड़ा रॉयल ग्रैंड सा बना रहे हैं. तो ऑयल अच्छा सा डालिए और उसमें फिर आप हींग डालिए. हींग डालने से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है एंड इट इज़ रियली वेरी गुड फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम. उसमें फिर मैं एक चम्मच जीरा डालूंगी. जीरा को अच्छे से क्रैकल होने दीजिए. और फिर उसके बाद उसमें मैं डालूंगी कर्ण फूल स्टार अनीस. और उसमें मैं थोड़ा सा दालचीनी के स्टिक डालूंगी विच इज सिनेमन स्टिक. और एक इलायची, बड़ी इलायची. और उसमें मैं डालूंगी तेज पत्ता जो कि मैंने क्रश करके थोड़ा सा तोड़ के डाला है. तो आप इसमें तेज पत्ता डालिए. और उसमें एक खड़ी लाल मिर्च डाल दीजिए. बस इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए. ये देखिए इस तरीके से ये फ्राई होने के बाद हम इसमें डालेंगे मसाला.
मसाले फ्राई होने दीजिए, और ये जो मैंने पानी ऐड किया है ये थोड़ा सा जो मिक्सर में रह जाता है मसाला, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उसमें वापस डाल दिया है मसाले में। और बस अब मसाले को अच्छी तरीके से आपको भूनना है। आप जितना मसाला भूनोगे ना उतना टेस्टी बनेगा। अब भूनने के बाद इसमें आती है बारी हमारे स्पाइसेस डालने की, तो मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर विच इज धनिया पाउडर, और ये चिकन मसाला। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एवरेस्ट का चिकन मसाला, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, सुहाना यूज़ कर सकते हो, एवरेस्ट यूज़ कर सकते हो। फिर उस पर मैं डाल रही हूँ हल्दी, एंड उसके बाद हम ऐड करेंगे लाल मिर्ची पाउडर। आपको जितना स्पाइसी बनाना है उसके हिसाब से आप डाल सकते हो। ये जो मैंने डाला है ये थोड़ा सा और मैंने गर्म मसाला ऐड ऑन किया है, आप इसमें जितना चाहे उतना लाल मिर्ची डाल सकते हो। मुझे स्पाइसी खाना पसंद है तो मैं थोड़ा ज़्यादा लाल मिर्ची डालती हूँ, बट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप थोड़ा सा कम ज़्यादा इसको कर सकते हो। आप थोड़ा सा कलर के लिए इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी साथ साथ में ऐड कर सकते हो। एक नॉर्मल मिर्ची जो तीखी वाली हो और कश्मीरी लाल मिर्च के साथ अगर ऐड करते हो तो बहुत ही बढ़िया वाला कलर आता है आपके चिकन में। बस ऐसे अच्छे से भूनते रहिए, जितना भूनोगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। आपको तब तक भूनना है जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो। जब तक इस जब आपका ऑयल इसमें से सेपरेट होना चालू हो जाएगा दैट मीन्स आपका मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है। आप देख सकते हैं कलर मसाले का कितने अच्छे से चेंज हो गया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑफ बटर। आप चाहो तो 1 चम्मच घी डाल सकते हो या फिर उसको अवॉइड भी कर सकते हो, बट घी डालने से एक अच्छा टेस्ट आएगा। तो आप देख सकते हो मसाले का कलर कितना अच्छा हो गया है। बस इसी तरीके से हमको कलर चाहिए था। अब इसमें हम अपना बॉइल्ड जो चिकन है वो डाल देंगे। पनीर और टोफू डाल। हाँ, पनीर टोफू वगैरह डाल के बना सकते हो। आई कैन पुट पनीर, यू कैन पुट पनीर, आलू दम आलू भी यू कैन मेक, यू कैन मेक नाइस पनीर का मटर पनीर डाल के विद वेजीज मशरूम। तो ये थी लाइव कमेंट्री जो हो रही थी वहाँ पे जब मैं कुक कर रही थी कि इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मसाला वो सो टेस्टी मैंने टेस्ट करने के लिए वहाँ पे दिया था, सबको बहुत पसंद आया। तो बस आप इसमें सॉल्ट डाल दीजिए और इसे अच्छे से फ्राई होने दीजिए, अच्छे से फ्राई कर लीजिए, और बस इसमें आप पानी डाल के इसको कुक होने देंगे। लेकिन हाँ, इसमें आप पहले अच्छे से फ्राई कीजिए इसको, जितना अच्छे से आप मिलाओगे उतने अच्छे से मसाले जो है वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे एंड अच्छे से कोटेड हो जाएगा चिकन उससे। नाउ आफ्टर दिस विल ऐड वाटर टू दिस। आप अकॉर्डिंगली आपको कितना थिक और कितना उसका ग्रेवी आपको कितना रखना है उसके हिसाब से आप इसको इसमें पानी डाल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा चिकन कुक हुआ है, बॉईल किया था हमने। तो इसमें पानी डाल दीजिए जितना आपको ग्रेवी रखना है उसके अकॉर्डिंगली, और उसमें आप थोड़ा सा कोरिएंडर डाल दीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस इससे आप इसका लिड लगा के इसे कुक होने दीजिए, और आपको इसमें सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बिना सीटी के कुक होगा। तो बस ये देखिए आपका चिकन बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है, और यस दिस वाज सो यमी गाइस, टू ट्राई दिस, सीरियसली बहुत टेस्टी बनता है ये। आप इसे पराठे या रोटी या नान या फिर आप इसको राइस के साथ खा सकते हो। तो ये है मेरा चिकन रेडी, गार्निश इट विद कोरिएंडर अगेन। आई होप गाइस आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आई है तो लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आप इसको ट्राई करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। एंड येस गाइज, और भी कोई रेसिपी आप देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बिकॉज आई लव कुकिंग। And yes guys, do subscribe to my channel and don't forget to hit on that notification button, and I'll see you super soon in another video. Till then, take care, love you all, bye, good luck.